आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए गुरु गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर पूजा पाठ करेंगे, साथ ही मंदिर में शिष्यों को आशीर्वाद भी देंगे। वहीं अयोध्या में भी गुरु पूर्णिमा के त्योहार को लेकर खास सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ गुरु पूर्णिमा मनाने का निर्देश दिया गया है। मथुरा में भी गुरु पूर्णिमा पर कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मठ बागम्भरी गद्दी में भी गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हैं। वाराणसी से विशांत है हमारे साथ और साथ ही मथुरा से हमारे साथ कन्हैया इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद गुफरान, आप ही का मैं रुख करती हूं। जिस तरह से आज गुरु पूर्णिमा मनाई जानी है, इसको लेकर वहां पर किस तरह की तैयारी है, किस तरह की तस्वीर वहां से दिख रही है? देखिए प्रयागराज की अगर बात करें, गुरु पूर्णिमा का मौका है, गुरु शिष्य परंपरा का ये त्योहार माना जाता है। आज के दिन जो शिष्य हैं वो अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में प्रयागराज में तमाम जो मठ मंदिर हैं, प्रयागराज की ये परंपरा भी रही है सनातन से, तो यहाँ पर जो मठ मंदिर हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो या फिर अन्य जगहों पर जूना अखाड़ा हो या फिर दूसरे तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग कोविड गाइडलाइंस के साथ आयोजन की बात कही गई है। इसको लेकर के पहले से तैयारियां वहां पर की गई हैं। अखाड़ा परिषद में सुबह 7 बजे से रुद्राभिषेक 11 बजे के बीच होगा। इस दरमियान तमाम जो उनके आशिष्य हैं महंत नरेंद्र गिरी के, वो आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और महंत नरेंद्र गिरी का आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा संगम स्नान का भी आज के दिन विशेष महत्व माना जाता है, तो ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो संगम स्नान के लिए भी पहुंचेंगे। आज का दिन जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा का माना जाता है, इसके पहले कोविड गाइडलाइंस का कोई ऐसा मामला नहीं रहा, तो तमाम जो मठ मंदिर होते थे वहां पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं जो वो पहुंचा करते थे, भीड़ भाड़ होती थी। ठीक है, बिल्कुल। कन्हैया, अगर मथुरा की बात की जाए तो आज दरअसल जिस तरह गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाना है, वहां की मैं बात करूं तो मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाएगी वहां से, किस तरह की तैयारी है इसको लेकर? देखिए बता दें कि जो मुड़िया शोभा यात्रा है गुरु पूर्णिमा के ही दिन वर्षों से चली आ रही है परंपरा है, करीब 450 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, जहां पर गुरु के निधन 450 वर्ष पूर्व सनातन गोस्वामी महाराज का हो गया था, जिसके बाद उनके अनुयायियों द्वारा सिर मुड़वाकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाई गई थी, तो वही परंपरा दोबारा निभाई जा रही है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी शिष्यों ने पहले कल मुंडन कराया, आज सभी शिष्य दोपहर को पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, जिसके साथ ही गोवर्धन का जो राजकीय मेला होता है गुरु पूर्णिमा मेला वो समापन माना जाता है, क्योंकि इस बार कोविड के कारण गोवर्धन के राजकीय मेले को उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि ये मेला है, इसको निरस्त कर दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। गोवर्धन मेले में लाखों करोड़ों लोग हर रोज परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन कोविड ना फैले, संक्रमण ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए मेले को निरस्त कर दिया गया था। इस बार मेला आयोजित नहीं हुआ, लेकिन खासी तैयारी है मंदिरों में, जहां पर गुरुओं की पूजा के लिए और शिष्य बनाने के लिए लोग यहां पर आते हैं, तो इस बार जो सभी धर्म गुरु हैं, सभी गुरु हैं, सब लोगों से अपील की है कि वो वर्चुअली तौर पर उनसे जुड़े और वर्चुअली तौर पर घर पर रहकर ही पूजा पाठ करें, मंदिरों में ना जाएं, किसी आश्रमों में ना जाएं, जिससे संक्रमण ना फैले। ठीक है विशांत, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है, प्रशासन की क्या तैयारी है गुरु पूर्णिमा को लेकर, क्योंकि जरूरी है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन भी किया जाए और इसी के साथ इस त्योहार को मनाया जाए? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये एक बड़ा पर्व है और अगर बात की जाए भारत की सनातन परंपरा की, सनातन धर्म की, तो ये शास्त्रों के मुताबिक जो आषाढ़ महीना है उसकी पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं महर्षि वेदव्यास कौरव पांडव दोनों के गुरु थे, तो एक लंबी परंपरा है, चाहे वो महाभारत काल हो जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के गुरु थे, उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद जो जिन्होंने जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, एक लंबी परंपरा चली आ रही है और उसको देखते हुए भारत के लिए ये एक बड़ा त्यौहार है।
वाराणसी जो कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, काफी मजबूत है, उस नगरी में भी एक बड़े सैकड़ों वर्षों से परंपरा निभाई जा रही, लेकिन चूंकि कोरोना काल है इस वजह से यहाँ पर इस बार कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रशासन ने गाइडलाइन का उल्लंघन ना करने की सख्त हिदायत दी है। हर बार हम देखते थे कि यहाँ पर भीड़ उमड़ती थी, लोग जाते थे अपने गुरु के घर में कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार केवल व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए।